राजस्थान सरकार के कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कौशल भवन झालाना डूंगरी में कौशल विकास बोर्ड के कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री राठौड़ ने कहा कि हमारे समाज के कला से जुड़े हुए वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को धरातल पर मजबूती से लागू करने की जिम्मेदारी इस नए कार्यालय की होगी। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों के मुद्दे पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी कमेटी में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पिछली बैठक में कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए कमेटी से कहा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिटिकल फायदे के लिए थोक के भाव में जिलों का बंटवारा किया गया, जिसका जनता को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। जो बुनियादी ज़रूरत है एक दफ्तर की, उसकी हमने सुविधा यहाँ पर करवाई। हमारे सारे कला के अंश से जुड़े हुए सब लोग, खास तौर से जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको हम आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों योजनाएं शुरू करी हैं। उसको धरातल तक हम उतार पाएँ, ये बड़ी जिम्मेदारी इस दफ्तर की है। इन सब के दफ्तर के अंदर सभी काम करने वालों को, राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से, चाहे मार्केट बनाना, मार्केट तैयार करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, या बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आना और नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है और इंटरनेट आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके अंदर बड़े रूप में राजस्थान सरकार काम करना शुरू कर दिया है। आपको जैसे ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले तकरीबन 6.5 लाख करोड़ के MOUs हो चुके हैं और मात्र शुरू करे हुए, ये लॉन्च करे हुए इसको करीब 1 महीना हुआ है। ये सरकार के पहले साल के अंदर हमने काम शुरू करा है। राजस्थान जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर योद्धाएँ रहे हैं, तो मजबूत लोग हैं, और ऐसी जगह इन बाकी राज्यों से पिछड़ी हुई क्यों हैं, इसके लिए एक इच्छा शक्ति के साथ काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को लाना, व्यवसाय को बढ़ाना, इसकी निहायत ही ज़रूरत है। हमारे इस पूरे राजस्थान में से फ्रेट कॉरिडोर जो भारत का है, उसका 1/3 हिस्सा है, तो उसको उसका पूरा लाभ उठाना। और अब पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी और 2027 तक हम बिजली के अंदर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी सरकार को एक एक पाई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बढ़ोतरी के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए आसान करना, और उससे जैसे मैंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति के लिए काम राजस्थान में हमें शुरू करना है। मुझे लगता है कि मैं जो उत्तर दूँ वो उत्तर तो आपके प्रश्न के अंदर ही समाया हुआ है। आपने खुद ही ने कहा कि खेल का राजनीतिकरण, ये दुख की बात है। राजनीति के अंदर हमारा लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो सीढ़ी कहाँ से शुरू हो और कहाँ पहुँचे, उसके अंदर दूसरा जो क्षेत्र है वो दूषित नहीं होना चाहिए। अपनी क्या कहते हैं, संतुष्टि से काम करें, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है वहाँ काम करें, ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। और इसी के लिए सरकार के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अल्टीमेट एम यही है कि जनता और राजस्थान का भला होना चाहिए। अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। जो पिछली हमारी बैठक हुई थी उसके अंदर हमने कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर कमेटी को कहा कि आप ध्यान करिए उसके ऊपर, और ध्यान करके हमें एक और बार प्रेजेंटेशन उसके दीजिए। जब वो प्रेजेंटेशन आएगी तो उसके ऊपर राजस्थान का हित देखते हुए उसके ऊपर निर्णय होगा। और निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं, आप खुद ही अभी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल गेन को, पॉलिटिकल के अंदर उसको फायदे को देखते हुए एक थोक के भाव में जिसने जिला मांगा उसको दे दिया गया बिना सोच विचार के, है ना, बिना सोच विचार के। जब इस तरह से चीज़ होती है उसमें पॉलिटिकल लाभ भी नहीं मिला। मुझे लगता है जनता ने उसको उसके उसके थ्रू देख लिया, उसको समझ लिया कि ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है।